हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड विद आसिफ। तो अभी टाइम हुआ है मॉर्निंग के 9, और मैंने अभी एक हफ्ते पहले एक वीडियो अपलोड किया था यामा R15 के अंदर। पल्सर 220 के जो ब्रेक पैड डाले थे मैंने, तो वो काफ़ी अच्छे काम कर रहे थे मेरे। तो हमारे एक सब्सक्राइबर भी है और मेरे बहुत अच्छे एक दोस्त भी हैं, उन्होंने अपनी बाइक चला के देखी और मैंने उनको बताया कि यार R15 के जो ओरिजिनल वाले डिस्क पैड थे वो मेरे को थोड़े कॉस्टली पड़ रहे थे, 300-400 रुपये के पड़ रहे थे मुझे अराउंड। तो मैंने पल्सर 220 के इसमें डाल दी, क्योंकि इसका कैलिबर और R15 का कैलिबर दोनों का सेम है। बजाज का भी कैलिबर सेम है जो 220 में आता है, और R15 का भी कैलिबर सेम है जिसमें वो डिस्क पैड लगते हैं। तो उन्होंने अपनी बाइक चला के देखी, उसको ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी लगी अपनी, और उनकी बाइक में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उन्होंने ओरिजिनल डिस्क पैड डलवाए थे, बट चू 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 आवाज़ आती है जो चलते टाइम, वो आ रही थी, और उन्होंने चेन ल्यूब उसमें डाल दिया तो वो ब्रेक लगना ही। तो उन्होंने अपना एक वीडियो देखा था, और वो वीडियो देख के उन्होंने बोला कि यार आपकी बाइक चला के देखनी है एक बार मुझे। तो उन्होंने अपनी बाइक चला के देखी और उनको अपनी ब्रेकिंग आगे वाली जो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो वो अभी 9:30 तक मेरे हिसाब से आधे घंटे बाद में वो आ रहे हैं 220 के डिस्पैड लेके, और अपनी बाइक में इंस्टॉल करवाएंगे। तो वो मेरे घर पे आ रहे हैं, तो मैं नीचे ही चेंज करूँगा उनके डिस्पैड। अभी हमारे एक दोस्त हैं, उनकी बाइक आई हुई है R15 है। तो इन्होंने क्या हुआ, ओरिजिनल डिस्पैड में ये ओरिजिनल डिस्पैड थे इनके, ये वाले ओरिजिनल डिस्पैड थे इनके। तो इन्होंने क्या करा, चेन ल्यूब डाल दिया इसके अंदर। इन्होंने ब्रेक आवाज़ कर रहे थे, चू 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 कर रहे थे ये, और उसके बाद में ब्रेक लगना ही बंद हो गए। तो अभी हम वही, इन्होंने हमारा वीडियो देखा तो पल्सर 220 के लेके आए हैं ये डिस्पैड, ये वाले ओरिजिनल डिस्पैड लेके आए हैं बजाज के, पल्सर के 220 के। तो अभी हम ये लगा के चेक करेंगे इसके अंदर ठीक से काम करते हैं या नहीं। तो पहले इसको फिट कर लेता हूँ, उसके बाद में चेक करके बताता हूँ आपको। वैसे मैंने खोल लिया था, तो अभी इसको पहले अच्छे से पैक कर देता हूँ मैं। वैसे इसको सफाई कर रहा हूँ मैं प्लेट की भी, क्योंकि इसमें भी वो चेन ल्यूब है वो आ गया। तो भाई ब्रेकिंग मैंने उनको टेस्ट करवा दी थी काफ़ी पहले से, काफ़ी ज़्यादा हद तक सुधरी है उनकी ब्रेकिंग, और बाकी धीरे धीरे और सुधर जाएगी जैसे 40-50 किलोमीटर बाइक चलेगी। और एक अलग वीडियो उसका अलग बनाएंगे अपन, जैसे एक राइड हो रही है हमारी, संडे को एक राइड है, तो उस टाइम पे एक वीडियो बना लेंगे उसका सेपरेट, कि भाई कैसा काम कर रहा है, आपको कैसा लगा परफॉर्मेंस वगैरह। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।